हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी मिलाज़मा के बारे में। मिलाज़मा क्या होता है, किस वजह से ये होता है, कैसे इसको होम रेमेडीज़ की हेल्प से ठीक किया जा सकता है, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, सो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। सो अगर बात करें मिलाज़मा के बारे में, सो मिलाज़मा इज़ अ वेरी कॉमन स्किन प्रॉब्लम। इसमें फेस पर ब्राउन कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं। 50% लेडीज़ मिलाज़मा की प्रॉब्लम से परेशान हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि ये प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, लेकिन कुछ लेडीज़ में प्रेगनेंसी के बाद मिलाज़मा की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है एंड कुछ लेडीज़ में ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और एक बात, मिलाज़मा का जो इलाज है वो होम रेमेडीज़ की हेल्प से इजीली किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि होम रेमेडीज़ जो होती हैं वो स्किन को धीरे धीरे ठीक करती हैं। इसमें मतलब इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको होम रेमेडीज़ पर यकीन होना ज़रूरी है। ये होम रेमेडीज़ बहुत इफ़ेक्टिव एंड फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। मिलाज़मा के और भी कारण होते हैं, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मिलाज़मा। सो बेसिकली ये तीन टाइप्स के होते हैं, फोरहेड, अपर लिप्स, चिन एंड नोज़ पर जो ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाते हैं उनको सेंट्रोफेशियल मिलाज़मा बोलते हैं। सेकेंड टाइप है मालर मिलाज़मा। मालर मिलाज़मा में गालों के ऊपरी भाग में निशान दिखाई पड़ते हैं। एंड लास्ट टाइप है मैंडिबुलर, एंड इसमें जॉ पर डार्क स्पॉट्स दिखाई पड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये किन किन कारणों से फैलता है। इसका फर्स्ट कारण है सनलाइट, एंड सनलाइट की रोशनी में अधिक टाइम तक रहने पर मिलाज़मा की प्रॉब्लम हो जाती है, एंड ये गर्मियों में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट कारण है हार्मोन्स में बदलाव। हार्मोन्स में बदलाव के कारण भी झाइयों की समस्या हो सकती है। थर्ड कारण है थायराइड की परेशानी। ये झाइयों का कारण बन सकती है, क्योंकि थायराइड शरीर में हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। एंड फोर्थ पॉइंट हम स्टार्टिंग में डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में, ये प्रेगनेंसी का है जो मैं पहले बता चुकी हूँ। लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लोकल कॉस्मेटिक। ज़्यादातर लेडीज़ लोकल कॉस्मेटिक यूज़ करना ही पसंद करती हैं, एंड जिसकी वजह से मिलाज़मा की प्रॉब्लम उनमें सबसे ज़्यादा देखी जाती है। लोकल कॉस्मेटिक यूज़ करने की वजह से ये प्रॉब्लम गर्ल्स में भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। नाउ अब बात करते हैं मिलाज़मा के लिए आपको क्या डाइट लेनी चाहिए। विटामिन सी और विटामिन ई युक्त जितने भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो आपको लेना चाहिए। फलों का जूस लेना चाहिए, जिसके अंदर संतरे का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जूस बताया गया है। आपकी स्किन और हेल्थ के लिए जूस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। मिलाज़मा की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें पानी की क्वांटिटी बढ़ानी होगी। दिन में हम जितना भी पानी पीते हैं उसको हमें डबल करना होगा, एंड ये गुनगुना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटेक्शन की, एंड इसके लिए हमें सनस्क्रीन लोशन यूज़ करना है। एंड घर से बाहर निकलते टाइम हमें आधा घंटा पहले अपने फेस पर सनस्क्रीन लगा लेनी है, एंड इसके बाद ही बाहर जाना है। मोस्टली गाइस, सनस्क्रीन जो होती है वो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से, एंड इसके लिए मैं आपको हाईली रेकमेंड करती हूँ वाओ की सनस्क्रीन। इसमें पाया जाता है SPF 50, तो आपकी स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से। वाओ की सनस्क्रीन मेल एंड फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं, एंड ये ऑल स्किन टाइप है। नाउ फाइनली अब हम बात करते हैं होम रेमेडीज़ के बारे में, एंड होम रेमेडीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं एंड बहुत ही अच्छे से मिलाज़मा की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती हैं। एंड ये जो होम रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मिलाज़मा में हाई पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट सब में यूज़ की जा सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस होम रेमेडी का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए मैं ले लूँगी 2 टेबल स्पून बेसन एंड 2 टेबल स्पून पोटैटो स्टार्च। पोटैटो स्टार्च के लिए मैं एक फ्रेश पोटैटो ले लूँगी एंड उसको अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी, एंड देन उसको मैं एक चाय छलनी की हेल्प से छान लूँगी। इससे हमारा पोटैटो स्टार्च बहुत ही ईजिली हमें मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स, याद रहे पोटैटो स्टार्च को हमें फ्रेश ही यूज़ करना है। इसको ऐसा नहीं है कि हम सुबह में निकाल कर रख लें एंड शाम को यूज़ करें। जब भी आप फेस पैक बनाएं इसको फ्रेश ही बनाइएगा, तभी आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चावल का आटा।
अगर आपके पास राइस फ्लोर नहीं है तो आप चावल को मिक्सी में पीस सकते हैं। पीसने के बाद उसको इस तरह के कांच के कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। ये ज़्यादा टाइम तक आपको यूज़ करने में हेल्प करेगा। लास्ट में इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून दही एंड इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एंड फ्रेंड्स, ये फेस पैक मेल एंड फीमेल्स दोनों के लिए है, दोनों यूज़ कर सकते हैं इसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने स्किन को यहाँ क्लीन कर रहे हैं एंड क्लीन करने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ रोज़ वाटर। फ्रेंड्स, रोज़ वाटर को मैं एज अ टोनर अपने फेस पर यूज़ करती हूँ एंड इससे काफ़ी डीप क्लीन होती है मेरे स्किन की। विंटर्स में फेस वॉश करने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो जिन लोगों को फेस वॉश करना अच्छा नहीं लगता है तो आप ऐसे ही स्प्रे कर सकते हैं रोज़ वाटर को अपने फेस पे। इससे आपके फेस की डीप क्लीनिंग भी हो जाएगी एंड ये एज अ टोनर बहुत अच्छा वर्क करता है, आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है। सो आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैं यहाँ अपने फेस पर फेस मास्क अप्लाई कर रही हूँ एंड इसके लिए मैंने लॉरियल का ब्रश लिया है जिससे मेरे फेस पर अच्छे से फेस मास्क अप्लाई हो जाता है। एंड गाइस, हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें फुल फेस को कवर करते हुए अच्छे से फेस मास्क अप्लाई करना है, अपनी गर्दन पे भी लगाना है एंड अगर थोड़ा सा बचे तो अपने हैंड पर भी लगा लेना है। वैसे आपको फेस मास्क जो है वो अपने फेस पर बढ़िया से कवर करते हुए लगाना है, जैसे कि मैं वीडियो में लगा रही हूँ। आप वीडियो में देख रहे होंगे मैंने इस फेस मास्क की काफ़ी मोटी लेयर अपने फेस पर लगाई है। इसी तरह हमारा फेस मास्क अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया है अपने फेस पर। आफ्टर 15 to 20 मिनट्स मेरा फेस पैक अच्छे से सोख गया है एंड इसको मैं हल्का सा गीला करके ऐसे ही अपने स्किन को रब करते हुए छुटाऊंगी, जिससे मेरे फेस के जितने भी फेशियल हेयर होंगे वो भी इजीली रिमूव हो जाएंगे। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके फेस पर रेड कलर के रैशेस आ जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है ठंडे पानी से एंड वो नॉर्मल वाटर होगा तो भी चलेगा एंड अपने फेस को पैड ड्राई करना है। मैं यहाँ टॉवल लेके अपने फेस को अच्छे से पैड ड्राई कर रही हूँ। आपको अपने फेस को साफ करने के लिए, सोखने के लिए टॉवल को बिल्कुल भी नहीं घिसना है, हल्के हल्के आपको हल्के हाथ से अपने फेस को सुखाना है। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद आप वाओ का एलोवेरा जेल लगाकर आराम से सो सकते हैं। नेक्स्ट, मैं आपको डे टाइम के लिए सनस्क्रीन बताना चाह रही हूँ कि कैसे इसको लगाना है। तो सबसे पहले आपको रोज़ वाटर लेकर अपने स्किन को अच्छे से साफ कर लेना है, क्लीन कर लेना है। चाहे आप फेस पैक यूज़ कर रहे हों या फिर कोई भी क्रीम यूज़ कर रहे हों, आपको सबसे पहले अपने फेस पर ऐसे ही रोज़ वाटर स्प्रे करके क्लीन करना है। रोज़ वाटर स्प्रे करके लगाने से अलग इफ़ेक्ट पड़ता है आपके स्किन पर, बहुत ही डीप क्लीन करता है ये। नेक्स्ट, मैं यहाँ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सनस्क्रीन ले रही हूँ एंड मैं हल्के हल्के अपने हाथ पर जहाँ मेरे ये डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं वहाँ मैं लगा लूँगी। वैसे मेरे फेस पर तो नहीं है क्योंकि मैं ये रेमेडीज़ यूज़ करती रहती हूँ। सो आपके डार्क स्पॉट्स वगैरह या मलाजमा जहाँ भी हो आप सनस्क्रीन लगाइए अच्छे से। ज़्यादातर लोग एक गलती करते हैं, वो बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन ले लेते हैं, लेकिन आपको अपने फेस के हिसाब से सनस्क्रीन लेनी है। जैसे मैं अपने वीडियो में आपको शो कर रही हूँ कि आपको ऐसे ही सनस्क्रीन अपने फेस पर अप्लाई करनी है। जब आप बाहर जा रहे हैं तो आधा घंटा पहले आप सनस्क्रीन लगा लें, इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। नाउ फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ऑफिस गोइंग एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स या लेडीज़ के लिए। मैं इसमें बात कर रही हूँ ब्रिस्टा क्रीम की एंड ये भी मलाजमा डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने की क्रीम है। ये क्रीम उन लोगों के लिए है जो होम रेमेडीज़ फॉलो नहीं कर पाते हैं अपने बिजी स्केड्यूल के वजह से। तो आप ये दिन में एंड रात में दो टाइम लगाएंगे एंड प्रोसेस वही रहेगी, आपको फेस को क्लीन करना है रोज़ वाटर से एंड इसकी फ्यू ड्रॉप्स लेकर अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है एंड आप बाहर जा सकते हैं। एंड इसको रात में भी आपको एक बार यूज़ करना है, अब सोने से पहले अपने फेस को वॉश करने के बाद। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है सो डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।